जब वो 12वीं के साथ एग्जाम नीट की देने गई उसके 4.25% आए थे 2013 में और 14 में। मैं श्रवण जी के पास उसको ले गया। आपको मैं यकीन दिलाऊं उस बच्ची का 2014 में राजस्थान में 6ठी पोजीशन थी एससी रैंक। मेरी बड़ी बेटी तोसन बुनकर जो वर्तमान में भीलवाड़ा सवाईपुर में एमओ लगी हुई है, जब वो 12वीं के साथ एग्जाम नीट की देने गई उसके 4.25% आए थे। कितने परसेंट? 4.25। 2013 में और 14 में मैं श्रवण जी के पास उसको ले गया। ऐसा संभव हो पाया क्योंकि मेरे पड़ोसी भाई रतन जी जगावत जो मेरे हिंदी के टीचर हैं, मेरी टीम मेंबर है, उनके साथ में लेके गया इनके पास। और आपको मैं यकीन दिलाऊं उस बच्ची का 2014 में राजस्थान में 6ठी पोजीशन थी एससी रैंक। परसेंट कितने बने याद हो कुछ तो? उसके शायद उस समय 2014 में 565 नंबर, 565 का मतलब अपन 720, अपन 720, 565, 720, ये आपके 7749, बिल्कुल आपका 75% का स्कोर हो गया। कितने परसेंट से? 4.25%। चलो 4.25 को मैं 7.2 से गुणा, 30 नंबर थे पहले, 30 नंबर से बढ़ के 565 आए। ये सीएलसी था, ये संभव उपाय है। तभी साहब ये गार्जियन मेरे एक सिंपल ब्लॉग पे आ जाते हैं, साहब ना मैं कोई ब्यूरोक्रेट हूँ, ना मैं कोई फिल्म एक्टर हूँ, एक सामान्य टीचर हूँ। एक टीचर के बुलाव पे लोग तभी आ सकते हैं जब वो शिक्षक है, न कि पेड सर्वेंट है। एक बार जोरदार मेरे प्यारे बेटे के लिए प्लीज। मैंने श्रवण जी से एक ही निवेदन किया था कि मेरी बेटी जो मैं आपके भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे डॉक्टर नहीं एक सुसंस्कारवान बेटी चाहिए, और वो मुझे मिली। इसके लिए मैं नमन करता हूँ आपको, आपको बहुत बहुत साधुवाद। कल मेरे एक मित्र है सरपंच है, उनका फोन आया कि यार मेरी बेटी है, उनको मैं एडमिशन कहाँ दिलाऊं? भैया आपको बेटी सुरक्षित रखनी है तो सीएलसी भेजो। मैंने वो सीधे एक ही लफ्ज में, और शायद कल या परसों आपके पास आएंगे। 2014 में मेरी बेटी का सिलेक्शन हुआ, उसके बाद में जो उसके नोट्स पढ़े थे वो मैंने मेरे बेटे को दिए, और मैं ये बात आपसे शेयर कर दूँ। एज ए DLP डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के तहत उस बेटे ने उन नोट्स को पढ़ा और 2015 में उसका सिलेक्शन हो गया वर्तमान में RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर में। क्या बात है। फिर मैंने मेरा ध्यान अपनी छोटी बेटी के ऊपर दिया। 2019 में भाई रतन जी और मैं दोनों गए, रतन जी तो वही थे ही, 2019 में उसको एडमिशन करवाया और 2020 में उसका सिलेक्शन हुआ। आप तीन बच्चे? तीनों बच्चे। और मैं बताऊँ आपको, दोनों बेटियों का सिलेक्शन भी SPMC बीकानेर हुआ, और बेटा उदयपुर है। बेटा उदयपुर है, और ये सब संभव हो पाया है भाई श्रवण जी और उनकी टीम, भाई रतन जी और उनकी लगन, उनकी मेहनत। मैं तो सिर्फ उनको छोड़ के आया था, बाकी जिम्मा इनका। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू।